बाला। दो दिन बाद फ्लाइट से आ रहा है, पर अपना किया हुआ वादा पूरा कर रहा है। हाँ, जुबान का पक्का निकला ही। मैं चाहता हूं कि ये केस तुम दोबारा खुलवाओ और ये साबित करो कि यह खुदकुशी नहीं खून है। और मैं तुम्हें वादा करता हूं एसीपी कि मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा सरेंडर करने। ठीक है सर, इस बाला को एयरपोर्ट से ले लेते हैं कस्टडी में। नहीं दे, बाला को अपनी बेटी कीर्ति का अंतिम संस्कार तो करने दो। बाला की जान को खतरा है। देखो, आज तक हमने आए केस से रिलेटेड किसी भी मुजरिम को पकड़ा है, या तो उस मुजरिम का खून हुआ है या फिर मुजरिम ने खुदकुशी की है। और कौन कौन लोग शामिल है तुम्हारे इस धंधे में? इसका जवाब आप मेरे मुंह से कभी सुन नहीं पाओगे एसीपी साहब। सर, सर ये तो मर गया। बाला हमारे लिए बहुत ही कीमती मोहरा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ? सर, कावली रोड पे एक आदमी को किसी ने गोली मार दी है। सर, मरने वाले का नाम आकाश कुमार था। ये आज कोई बहुत बड़ा ऑयल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाने वाला था, जिसके बारे में काफी चर्चा है। डराप हो ना? यस सर। तो ये सब जब हुआ तो गाड़ी मोशन में थी, चल रही? यही सर, कुछ 70-80 की स्पीड पर चल रही होगी। और ये आकाश जी के बॉडी गार्ड हैं, तो जैसे ही शीशा टूटने की इन्होंने आवाज़ सुनी तो मुझे ब्रेक मारने को कहा और मैंने ब्रेक लगा दिया सर। जब गोली चली तो आस पास किसी को देखा था क्या? नहीं सर, यहाँ दूर तक कोई नहीं था सर। गोली सीधा छाती पे, परफेक्ट है। गोली आर पार हो गई सर, पीछे एग्जिट रूम। 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए टारगेट पे गोली चलाना, वो भी सीधे छाती पे है तो बहुत मुश्किल सर, किसी प्रोफेशनल का काम लगता है। ड्राइवर का कहना है जैसे ही कांच टूटा उसने ब्रेक मारी है, यहाँ पे यहाँ से फिर गाड़ी स्किड हो गई। सर, ब्रेक्स उसने यहाँ मारी, मतलब जब गोली लगी तो गाड़ी पीछे होगी। यानी जब आकाश को गोली लगी तब उसकी गाड़ी यहाँ पर होगी और वो पीछे वाली सीट पे बैठा था, मतलब ऐसे। सर, गाड़ी के लेफ्ट साइड के दरवाजे का शीशा टूटा हुआ है, मतलब खूनी ने गोली वहीं से चलाई होगी, लेफ्ट साइड से। जो एग्जिट वुंड है वो एंट्री वुंड के नीचे है, तो एंगल के हिसाब से गोली काफी हाइट से चली होगी। ये पीछे बड़े बड़े झाड़ हैं, शायद वहीं कहीं बैठकर उसने गोली चलाई होगी। रेडी? हाँ। तुम यहीं रुको, आकाश जी की पोजीशन लेना। यहां से तो क्लियर शॉट नहीं है, लगता है और ऊपर होगा। Hey, क्या कर रहे हो? संभालो। कहाँ जा कर रहे हो? सर, ये अरे यार, इसमें ना डाल है ना कुछ है, यहाँ पे कहाँ चढ़ा होगा? हाँ सर। पंकज, यहाँ पे ट्राई करो, संभाल के चलो। फ्रेडी दिख रहे हैं? हाँ सर, फ्रेडी सर दिख रहे हैं। इधर लाइट मार के देखो। सर, वो अरे वो आकाश के जैसा पोजीशन ले लो। सर, क्लियर शॉट, पोजीशन ठीक है? एकदम परफेक्ट है सर। सर,
स्नाइपर गन का शेल, ये देखिए। तो मतलब खूनी किसी पेड़ पे इस गाड़ी का इंतजार कर रहा था, जैसे ही अशोक सामने आया बुलेट चला दी। सर ये खूनी की नजर तो बहुत तेज है। नहीं पूर्वी, ये देखो साफ सुथरा है, आजकल नहीं गिरा यहाँ पे, शायद खूनी का ही होगा। अरे सर मैं नीचे आ जाऊं? हाँ तो वहां क्या करोगे, आ जाओ। हमारा खूनी एक्सपर्ट स्नाइपर जरूर है, पर लगता है कई साल से ये काम कर रहा है। निशाना लगाते लगाते आंखें धुंधली हो गई, तो आंख साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। क्या है सर ये? फ्रेश कॉन्टैक्ट, आंखों में डालने वाला ये लुब्रिकेंट ताकि दूर तक दिखाई दे। फ्रेश कॉन्टैक्ट, अब ये यही हमें पहुंचाएगा खूनी तक। सर हाँ फ्रेडी, हमने उस आईड्रॉप की बॉटल के बैच नंबर को ट्रेस किया। फिर क्या पता चला? उस बैच के आईड्रॉप्स खार के 3 मेडिकल स्टोर्स में सप्लाई हुए थे। मेडिकल स्टोर से हमें उन लोगों की लिस्ट मिल गई है जिन्होंने वो आईड्रॉप्स खरीदे थे। गुड सर, 45 ऐसे लोग हैं, लेकिन एक कस्टमर अलग है। नितिन? यस सर, नितिन एक्स ऑफिसर स्पेशल फोर्सेस, और सर वो एक्सपर्ट स्नाइपर भी रह चुका है। और ये फ्रेश कॉन्टैक्ट आईड्रॉप यूज करता है सर, ये हो सकता है सर हमारा आदमी। नितिन स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, एक्सपर्ट स्नाइपर, और उसके आईड्रॉप्स क्राइम सीन पर मिलते हैं। अभिजीत, स्नाइपर का है। अरे ये क्या, कौन है आप लोग? ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर आ गए? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्यों, बात क्या है? आज सुबह कावली रोड पे आकाश नाम के एक आदमी का किसी ने गोली मार के खून कर दिया। लेकिन मेरा क्या लेना देना इससे? वो गाड़ी 80 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी और एक खूनी ने स्नाइपर गन से परफेक्ट एम करके गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी को मार दिया। और स्नाइपर गन आपके पास भी है। और आप लोगों को लगता है कि उस आदमी को मैंने मारा है? ये किसी एक्सपर्ट का काम है, और तुम एक ट्रेंड स्नाइपर भी हो। ट्रेंड स्नाइपर तो और भी बहुत लोग हैं, मेरे भैया अकेले नहीं है। काजल, बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे, लेकिन उनमें से कितने लोग ये वाला आई ड्रॉप यूज करते हैं? ये मैं वही मिला जहां से खूनी ने गोली चलाई थी। ये आई ड्रॉप उसी बैच का है जिस बैच का आई ड्रॉप आपने खरीदा था खार के एक मेडिकल स्टोर से। अब आप कहोगे कि ये आई ड्रॉप आपका नहीं है? मैं ये आई ड्रॉप यूज करता हूँ, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया ऑफिसर, मैं तो पूरे दिन से घर पे ही था। देखो नितिन, गोली का शेल हमें मिल चुका है, यहाँ पे राइफल है, तुम जानते हो आसानी से मैच किया जा सकता है। और अगर ये तुम्हारा आई ड्रॉप नहीं है तो तुम्हारा आई ड्रॉप तुम्हारे पास होना चाहिए, हम देख सकते हैं। सर वी कैन अंडरस्टैंड कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए मैम, ओह नो भैया, नहीं प्लीज, आप बताइए प्लीज। एक मिनट, ये सच है, ये सब मैं ही कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं कैसे शायद मैं पागल हो रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है जैसे कोई भूत घुस गया है मेरे अंदर,
और इस भूत से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है मेरे पास। देखिए मैम, संभालिए अपने आप को। मैं जानता हूँ ये सही समय नहीं अब बात करने का, पर हमें आपको कुछ बताना है। ये सुसाइड नोट, क्या कहना चाह रहा था ये नितिन, कुछ बता सकती हैं? सर पता नहीं उनको क्या हो रहा था, उनकी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही थी, वो चीजें भूलने लगे थे। भैया कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं रहे थे, उनकी आंखों में जलन होने लगी थी जिसकी वजह से उन्होंने आई ड्रॉप्स लेना शुरू कर दिया था। और सर आज सुबह जब वो न्यूज देख रहे थे तब अभी अभी खबर आई कि आज सुबह जाने माने बिजनेसमैन आकाश कुमार की हत्या कर दी। उनकी कार कावली रोड से जा रही थी कि अचानक उनके चाय पियोगे? एक गोली लग गई। भैया हैरत की बात यह है कि गोली काफी दूर से चली थी, एक लॉन्ग डिस्टेंस राइफल से 100 मीटर्स, हवा की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, एंगल ऑफ ट्रेजेक्ट्री 65 डिग्रीज। भैया आप तो ऐसी डिटेल्स बता रहे हो जैसे उस वक्त आप वहां पे मौजूद थे। शायद मैं था वहां पे। नितिन ने काजल से एकदम सही कहा, वो उस वक्त वहीं पर मौजूद था और आकाश का खून उसी ने किया। लेकिन वो हमसे बार बार यही कह रहा था कि खून उसने नहीं किया, वो घर पर ही था। नहीं था दया, वो घर पर, उसके जूतों पर जो मिट्टी लगी हुई है वो उसी पेड़ के नीचे की मिट्टी है जिस पेड़ पर वो बैठा हुआ था। और दूसरा सबसे बड़ा सबूत, वो शैल, गोली का वो शैल जो नितिन की गन से ही चलाया गया है। तो जब हमने उसे वो आई ड्रॉप दिखाया तो उसे यकीन हो गया था कि खून उसी ने किया है, मगर डर के मारे उसने हमसे झूठ बोला है। लेकिन सच बर्दाश्त नहीं हुआ उससे, अंदर जाकर उसने अपने आप को गोली मार दी। लालू के साथ खून करके कोई भूल कैसे सकता है कि उसने खून किया है? वही तो, आकाश की गाड़ी कहाँ से जाने वाली है, कहाँ पर बैठकर उसकी गाड़ी का इंतजार करना है और कहाँ से आकाश पर गोली चलानी है, ये सारा प्लान कर लिया और फिर उसके मुताबिक उसने आकाश पर गोली भी चलाई और वहां से निकल गया। ये सब कैसे भूल सकता है कोई? बस हो सकता है ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। हाँ सर, शायद उसकी हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है और उसे नींद की प्रॉब्लम। यार देख, PTSD में मैंने तो कभी नहीं सुना है कि कोई भूल गया कि उसने खून किया है, तूने सुना? नहीं। हो सकता सर भूला ना हो, किसी ने जबरदस्ती उसकी याददाश्त मिटा दी हो। मतलब हिप्नोसिस या फिर माइंड कंट्रोल या फिर कुछ और? हाँ सर, कोई ऐसी बात है इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है? क्यों हो सकता है? बस मैं इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज, एक काम करता हूँ, मैं नितिन के विसरा का अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करता हूँ फिर बताऊँ। ये क्या होता है सर विसरा? पंकज, अंदर की अंगों को अच्छी तरह से चेक करना, कई बार बाहरी तौर पर चीजों का पता नहीं लगता है लेकिन अंदर के अंग, किसी भी इंसान के अंदर के ऑर्गन्स सही सही बात बता देते हैं। तो उस देखें तो सही, आखिर कौन सा भूत था जो इसके अंदर घुस करके बैठ गया? लीजिए पकड़िए, 3 बार परिक्रमा कीजिए। ओम देवताभ्यः योगिभ्यः सर्व देवतायै च। बहुत प्यार करती थी काजल अपने भाई से। मुखाग्नि हम देवम सर्व रक्षा। एक दिन भी रुकने को तैयार नहीं थी नितिन की बॉडी के लिए। हाँ, इसीलिए तो सारों के सामने बॉडी हैंड ओवर कर दी। लेकिन इसके इंटरनल ऑर्गन पे काम कर रहे हैं, पता तो चले कि नितिन जैसा समझदार आदमी अचानक इतना खतरनाक कैसे हो गया। इस काजल की इच्छा थी कि नितिन का अंतिम संस्कार वो खुद करे। मैं इनके अलावा नितिन का इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता।
चलाना यार, किधर है? आजा। हाँ जी, कहाँ हो तुम? मैं बस अभी घर पहुंचा हूं। अरे यार, ये मतलब ये लिफ्ट आएगी तो घर जाऊंगा यार। यहाँ वेट कर रहा हूँ बस लिफ्ट का। हेलो अभिजीत, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहा है? नहीं नहीं, मुझे क्या हुआ मैम? लिफ्ट आगे आगे। वो क्या था कि लिफ्ट का वेट कर रहा था तो उसके लिए थोड़ा। अरे यार, ये लिफ्ट। हेलो हाँ हेलो अभिजीत, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, मैं लिफ्ट के अंदर आ गया हूँ तो शायद सिग्नल का। हेलो दया, शायद ये फोन है क्यों? हेलो, हाँ दया, वो आवाज़ आ रही है? हेलो हाँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ क्यों? नहीं, तुम कुछ परेशान लग रहे थे। हाँ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे थे? चिल्ला रहा हूँ मैं। हाँ वो अरे वो सॉरी यार, वो नहीं अभिजीत, काफी चिड़े हुए लग रहे हो, ऐसे खराब मूड में कभी देखा नहीं। थोड़ा परेशान हूँ, ये आँख में जलन हो रही है, पता नहीं कब से ये, उसके चक्कर में थोड़ा सा परेशान हो गया था, अभी घर पहुँच गया हूँ। लगता है बुखार आने वाला है। मैं आराम करता हूँ यार। है बुखार है? कोई प्रॉब्लम है तो मैं आता हूँ अभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करना मुझे, ठीक है? मैं बताता हूँ। आइए 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 आइए। अब जी सर, कैसे राहुल? मैं बहुत ठीक हूँ। ये मिस्टर एंड मिसेस कुमार और आपके नए पड़ोसी। नमस्ते। और जो ये फ्लैट देख रहे हैं आप, वो इन्होंने ही रेंट पे लिया है। अच्छा, तो कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो बोलिएगा। जी बिल्कुल। जी। यार पंकज, ऐसी रात में गरम गरम वड़ा पाव खाने का मजा ही कुछ और है। ये तीसरा वड़ा पाव है, ज्यादा मत खाओ। घर पे आपके वाइफ ने खाना बनाया होगा, तो चिल्लाएगी ना आपसे? नहीं, तुझे क्या लगता है मैं अपनी वाइफ से डरता हूँ? नहीं डरता सर, आप तो मैन है, मैन। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी वाइफ से डरता हूँ तो तेरी सोच सही है। अरे अभिजीत सर की गाड़ी है ना? अभिजीत सर, अरे अभिजीत सर, अरे पैसे तो दो। अच्छा, आ जा। अभिजीत सर रुको। अरे अभिजीत सर, अभिजीत सर।
क्या हुआ ये? चोट कैसे लगी? एक्सीडेंट से सर। एक्सीडेंट? कब कैसे कैसे हो गया ये? सर, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। क्या? क्या बकवास कर रहे हो? नींद में हो क्या? सर। हाँ पूर्वी। सर अभिजीत सर के गाड़ी पे राइट साइड पे स्क्रैचेस है सर। देखा सर, मैं कह रहा था ना, अभिजीत सर की गाड़ी ने हमें ठोकर मारी है। कैसे हो गया? सर आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं सर? आपने कल रात अपनी गाड़ी से हमें ठोकर मारी है। पता नहीं क्या हो रहा है सर, मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं तो कैसे? अभिजीत, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कल फोन पे भी तुम बोल रहे थे कि बुखार जैसा कुछ लग रहा है। बुखार? हाँ वो यार, मुझे लगता है वो नितिन का भूत मेरे अंदर घुस गया यार। ये तुम क्या कह रहे हो? पता नहीं सर, वो जब से वो नितिन के अंतिम संस्कार से लौटा हूँ, मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है सर। मतलब नींद नहीं आना, थकान, आंखों में जलन और इरिटेशन, वो सब? हाँ, वो बीच बीच में याददाश्त का मिट जाना। मुझे सच में कुछ याद नहीं है। मैंने रात में कब गाड़ी निकाली, मैं कब बाहर गया और कब तुम लोगों के साथ वो एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे नितिन के साथ हो रहा था। उसको भी याद नहीं था कि उसने आकाश को मारा है। अभिजीत, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे अपने पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता सर। मैं कब क्या कर दूं, मुझे सच में कुछ पता नहीं। मतलब मेरे साथ जो हो रहा है, मैं मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा बाहर रहना ठीक नहीं है सर। आप प्लीज़ सर, प्लीज़ आप मुझे कुछ भी करने से रोको सर, प्लीज़। तुम लोग मुझे किसी रूम में बंद कर दो ना, मुझे लॉक कर दो सर। बात कर रहे हो तुम अभिजीत? क्या हम तुम्हें किसी कमरे में बंद करके रख दें? सर, हम लोग सर पे ना एक कैमरा लगा देते हैं सर। कैमरा? हाँ सर। सर एक लेटेस्ट फ्लाई कैम जिसे हम शर्ट या जैकेट पे लगा सकते हैं और उसकी सारी फुटेज ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे अपलोड होती रहती है और हम उसे कहीं भी बैठ के देख सकते हैं। वैसा ही करते हैं अभिजीत। तुम ये कैमरा पिक कर सकोगे खुद अपने कपड़ों पर? हाँ क्यों नहीं, हो जाएगा। कैमरा 24 घंटे चालू रहना चाहिए, हमें पता चल जाएगा, हम तुम्हें मॉनिटर कर सकेंगे। ठीक है, डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुछ हुआ नहीं है अभिजीत, कम ऑन। यू आर स्ट्रॉन्ग मैन। थैंक यू सर। I'm sorry यार, मुझे माफ कर देना। अरे सर, आपने जानबूझ के थोड़ी ना किया, सॉरी मत बोलो। नहीं Thank you.
लगता है सो गया। तुम लोग भी जाओ। थैंक यू सो मच। इसकी बहुत जरूरत थी। अरे यार, मेरी वजह से तुम्हें वॉचमैन बनना पड़ा। तुम भी आराम कर लो ना फिर। अरे नहीं यार, आज तो आराम होने वाला नहीं है। वो बाला, वो आज मुंबई आ रहा है, एयरपोर्ट जाना है उसे लेने के लिए। पांच मिनट में हम लोग शमशान पहुंच जाएंगे। पूर्वी, उनको फोन करके इन्फॉर्म कर दो कि हम लोग आ रहे हैं। सर। सर, बस सिक्योरिटी रेडी, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू प्लान। क्या लगता है आप लोगों को, ये सब सिक्योरिटी की प्लानिंग वगैरह करके आप लोग बचा लेंगे मुझे? आई की प्लानिंग आपसे 10 कदम आगे है। वो किसी भी हद तक जा सकता है मुझे मारने के लिए, और वो करेगा। हम भी तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुमने अपना वादा पूरा किया है, अब हमारी बारी है। ओए ओए, कहां भागे जा रहा है? तुम्हारे पास तो जा रहा था मैं। क्यों? तुमको ये बताने के लिए कि नितिन के साथ क्या हुआ था, जो अब अभिजीत के साथ भी हो रहा है। क्या हुआ सर? दोनों को एक ऐसा ड्रग दिया गया था जो इंसान के दिमाग को पूरी तरह से काबू में ले लेता है और उसे कठपुतली बना देता है, जो आपका हर ऑर्डर मानेगी, आप जो बोलेंगे वो करेगी। खून भी? हाँ, खून, किडनैपिंग, कुछ भी, एनीथिंग। कौन सा ड्रग है ये, क्या है ये? बस ये सफेद और पीले फूल में से मिलता है, और ये फूल कोलंबिया में पाया जाता है। वहाँ के लोग इसे डेविल्स ब्रेथ कहते हैं। यार, मैंने ऐसे किसी ड्रग का नाम नहीं सुना। सर, ये ज़ॉम्बी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, मुश्किल से पाया जाता है ये ड्रग। लेकिन मुझे मिला बॉस, नितिन की बॉडी में से ये ड्रग मिला। बस किसी न किसी को कहीं ना कहीं से तो ये ड्रग मिला है जो वो नितिन पर इस्तेमाल कर रहा है। तो अब अभिजीत पर इस्तेमाल कर रहा है। सर, मगर अगर कोई ड्रग यूज करता है किसी पे तो उसे पता तो चलेगा। अभिजीत सर की बॉडी में ये ड्रग आया कहां से? नहीं पता चलेगा बॉस। ये पाउडर जैसा होता है, जिसका कोई कलर नहीं होता, कोई खुशबू बदबू कुछ नहीं होती। बस ऐसे सामने वाले की तरफ करके उड़ाओ, बस एक मिनट में सब कुछ खत्म। पता लगाना पड़ेगा है कौन ये जिसे ये ड्रग मिला है और जिसने नितिन और अभिजीत के चेहरे पर उड़ाया। ये जरूर अभिजीत से कोई बड़ा जुर्म करवाएगा। अरे आप, कुछ काम था? फोन उठाओ यार। कब से लैंडलाइन पे फोन कर रहा हूँ सर, फोन ही नहीं उठा रहे। बॉडी कैम चेक करो, शायद पता चलेगा वो कहाँ पर है। देखो जरा। सर, ये तो गाड़ी चला रहे। गाड़ी चला रहे? कहाँ जा रहा है ये? चलिए अंतिम दर्शन कर लीजिए। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचा नहीं सका।
My God. हाँ सर। हेलो दया। अभिजीत शमशान घाट की तरफ आ रहा है। तुम कहाँ हो? सर मैं शमशान में ही हूँ। पर अभिजीत यहाँ क्यों आ रहा है? दया, अभिजीत बाला को मारने आ रहा है। क्या? अभिजीत को भी वही ड्रग दिया गया है जो नितिन को दिया गया था। दया, अभिजीत को किसी भी हालत में रोको। उसे रोकना पड़ेगा। बाला हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर, आप बेफिक्र रहिए, बाला को कुछ नहीं होगा। पंकज, पूरा फुटेज रिवाइंड करो। हो सकता है जिसने भी ड्रग दिया अभिजीत को, वो होगा इस फुटेज में। बाला की जान को खतरा है, ये सही कह रहा था। लेकिन यहाँ तो सब हमारे लोग हैं, कौन मारेगा उसे? अभिजीत। क्या? जो ड्रग नितिन को दिया गया था, किसी ने वही ड्रग अभिजीत को भी दे दिया और इस बाला को मारने के लिए इंस्ट्रक्ट किया है। ये अभिजीत किसी भी वक्त यहाँ पे आता होगा। अब क्या सर? अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, अभिजीत को किसी भी हाल में बाला के नजदीक नहीं आना है। और अभिजीत कंट्रोल में अगर नहीं आता है तो शूट हिम। पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो। अब ठीक है। सर, मैंने इससे पहले कहीं देखा सर। कौन है ये? कहां पर देखा इसे? हाँ सर। आया अभिजीत? नहीं सर, अभी तक तो अभिजीत नहीं आया यहाँ पे। सर, अभिजीत आ गया। सर, नितिन की बहन को वो फोटोग्राफ दिखाई तो उसने कहा कि उसका नाम दर्शन है। और अभी अभी दो दिन पहले ये अभिजीत सर के मरने वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। पंकज देखो, माय गॉड। पंकज, अंदर दर्शन है, जाओ जल्दी। सर, हाँ, जिंदा है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। दर्शन,
दर्शन देखो दर्शन 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 घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ सर। क्या बताना चाहते हो? मैं आई के लिए काम करता था। आकाश को क्यों मारना चाहते थे? बिजनेस सर, आई का बिजनेस है ये। किसी ने पैसे देते आकाश को मारने के लिए। आकाश के बाद नितिन बाला को मारने वाला था, लेकिन नितिन फेल हो गया। नितिन फेल हो गया तो उसने खुदकुशी कर ली, और जैसे ही नितिन ने खुदकुशी कर ली, तुमने इंस्पेक्टर अभिजीत को चुना उसकी जगह पे। कुछ काम था बाला को मारने के लिए। बता कौन है ये आए? कौन है ये मास्टरमाइंड? किसे फोन करते हो तुम? किससे बात करते हो? कौन तुम्हें ऑर्डर देता है बताओ? दर्शन दर्शन तुम ठीक हो? मुझसे पूछ रहे यार, मैंने ऑलमोस्ट एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की, तुम पे जानलेवा हमला किया, और तुम? अरे यार, मैंने भी तो तुम पे अटैक किया। अटैक नहीं, तुमने तुम्हें मुझे गोली मार देनी चाहिए यार। तुम अपना काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और मैं पता नहीं क्या कर रहा था। अभिजीत, तुम्हारा दिमाग कोई भूत नहीं, एक ड्रग कंट्रोल कर रहा था। ड्रग, डेविल्स ब्रेथ नाम का ड्रग। फिर तो हमें जल्द से जल्द इस मामले के तहत जाना पड़ेगा सर, नहीं तो ये ड्रग ना जाने कितने लोगों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करता रहेगा। पंकज, लेकर आओ बाला को। बाला, तुम पर मेरे एक ऑफिसर ने जानलेवा हमला किया। अब उसने ये क्यों किया ये ना वो जानता है, ना मैं जानता हूं, तो तुम जानते हो। तुम बताओ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और फिर ये आए है कौन? आई के बारे में डिटेल में तो कोई नहीं बता सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दूसरे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से ये बहुत अलग है, जैसे कि कोई ऑक्टोपस। मतलब 8 हाथ वाला? इसके हाथ उससे भी ज्यादा। क्रिमिनल फील्ड में ऐसा कोई काम नहीं है जो आई नहीं करता। मर्डर, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सब कुछ। नितिन जैसे हजारों एजेंट, वो जब जिसे चाहे मोहरा बना सकता है। या तो वो आए उसे मरवा देता है, या फिर लोग सुसाइड कर लेते हैं। वो तो मरता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके दोस्त, साथी, रिश्तेदार सबको मार दिया जाता है। आई के साथ गद्दारी करने के जुर्म में उसके हाथ पूरे दुनिया में फैले हैं। वो जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे तब उठ सकता है। तुम एक बात भूल रहे हो, ऑक्टोपस के भले ही 8 हाथ होते हो, लेकिन दिमाग एक ही होता है। तुम्हारे इस आई ऑर्गेनाइजेशन के कितने भी लोग हो, जहां जहां भी फैले हो, लेकिन मास्टरमाइंड तो एक ही होगा ना? बिल्कुल सही कहा आपने, दिमाग तो एक ही है, लेकिन वो 10 दिमागों के बराबर है, बहुत तेज। तुम्हारे इस मास्टरमाइंड के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो हम सुनना चाहते हैं। आई के बारे में मैं जितना जानता हूं मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आई जैसे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना आसान नहीं है। उसकी नजर पूरी दुनिया में, उसकी नजरों से कोई नहीं बचा। वाला, तुम्हारा ये मास्टरमाइंड हमारे कानून को नहीं मानता, ठीक है? तो अब देखना, तुम्हारा ये ऑक्टोपस जैसा मास्टरमाइंड, द आई, उसकी आंखों में हमारा ये कानून कैसे धूल झोंकता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.